अमन हम जय अंबे क्रिकेट क्लब आके मुख्य आयोजक नरेश जी चौहान, राहुल घासी, जयेश इंद्रेकर और कपिल तमाइचेकर और सभी राकेश जी पवार और सभी मारे छोटे मोटे जय अंबे क्रिकेट क्लब आके सभी प्लेयर जो काल का मैच और सीनियर कमेटी नंदुरबार, पंच कमेटी नंदुरबार, तो काल का जो मैच रुकोड़ा था इच्छल करंजी स्पोर्ट्स बी वर्सेस जय बजरंग दोंडाईचा, काल का मैच इचलकरंजी स्पोर्ट्सान 10 ओवरी की समाप्तिया पर 110 या समथिंग रन बनाए थे और उसी के बाद जय बजरंगान जीतने के लिए उनको 24 बॉल नाम 25 रन की आवश्यकता थी, पर बैड लाइट के कारण यो मैच रुकी गया था। तो आज के दिन नाम जय बजरंगा को आना का था, 7:30 या 8 बजे तक उनको यो मैच 7:30 या 8 बजे उनको यो मैच खेलना आना का था, पर रात्रि के 1 बजकर जो रिकॉर्डिंग मारकू जय बजरंगा के कैप्टन जो रिकॉर्डिंग गेरिया तो पहले सभी दर्शकों और जय अंबे कंजरबाट समाज के जितने भी ऑल महाराष्ट्र ऑल इंडिया कंजरबाट छारा समाज जितने भी अपने कंजरबाट सांसी समाज जितने भी अगर यूट्यूब आप सुनी रहे हैं तो पहले 2 मिनट के लिए सबनों रिकॉर्डिंग सुनना और रिकॉर्डिंग अमन हूँ जय बजरंग क्रिकेट कलबा का कैप्टन अजय तमाइचेकर बोल रहा। आज हमारी मैच आधी रह गई बैल लक्का के वजह से, तो हमारा मैच कल सवेरे 7:30 बजे का हमारे को टाइमिंग देवड़ा है, तो कहीं पर्सनल कारण से हमारी टीम उठा आऊँगी नहीं, इसके लिए हम इच्छल करें के सुमित तमाइचेकर के टीम को हम बाई दे रहे हैं, हूँ कप्तान अजय तमाइचेकर मेरे को फुल अधिकार बाई देना का, तो हम बाई घोषित करी दी तो उनको सहकार्य करना कमिटियन। हेलो जो खानदेशा के टीम जय बजरंग खानदेशा के टीम में नंदुरबारा के जय अंबे टीम मायनों मैच भराई थी और सारे जितने भी लड़के बड्डे सबका सहकार्य था, तो इस खानदेशा के टीम मन जो खानदेशा के टीम मानों को कमेटिया को जो तकलीफ दी है उसकी सबनों दक्षता लेना और इस टीम को इस खानदेशा में नहीं ऑल महाराष्ट्र में नहीं खिलाना यो इस कमेटिया का कहना है। सारे जितने भी कैप्टन जितने भी कमेटिया के या जितने भी टीम के लोग हैं उनके लिए और इस टीम को 2 साल के लिए बैन रंगड़ा ना उनका कोई प्लेयर किसी टीम में खेली पांगड़ा और ना टेनिस होएगा प्लास्टिक होएगा या सीजन बॉल होएगा 2 साल के लिए। जो भी कमेटी इसको खिलाती है जो भी टीम इसको बुलाती है तो उस टीम को भी मारे तरफ पास रिक्वेस्ट रंगड़ा के तमुन भी थारा ध्यान रखना ना तो थार को भी यो जो बयान दे इसको उसको दे रहे हैं यो बयान थारा भी लागू हो जाएगा क्योंकि इस खानदेशा के ना इस महाराष्ट्र के टीम के ऊपर इन्होंने पूरे टूर्नामेंट का नुकसान कर ही रहे, इसलिए इनको यो सजा देना बहुत गर्जे की है। ना इनका कोई प्लेयर खेलंगड़ा ना इनकी कोई टीम खेलंगड़ी कोई भी बोलना है खेलंगड़ा बस। जिदाई हूँ एमपीएल का महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का मुख्य आयोजक अमन भाटा को बुलाना चाहता कि महाराष्ट्र में किंचित लोग मामा टूर्नामेंट लेते हैं, एक पप्पू नवले और सुमित तमाइचेकर को बुलाना चाहता कि प्लीज करी कर एक पप्पू नवले इचलकरंजी सुमित तमाइचेकर धीरज तमाइचेकर और जॉन्टी बागड़े एट उन्ना भी आना और अमन भाट जो एमपीएल 2 सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया तो उसको कहना चाहता महाराज जय अंबे क्रिकेट क्लब के और
कि उसको हम हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टीम मा को पूरे महाराष्ट्र में तो जब भी टूर्नामेंट भरांगा अगर यो टीम रही तो जय अंबे नंदुरबारा की कोई भी टीम इस टूर्नामेंट हम तेरे भाग ना लेंगे और हम तेरे से यही अपेक्षा करते हैं कि तू भी इस टीम मा को और इसके कड़ी कोई भी प्लेयर को पूरे टूर्नामेंट हम ना खेलन दिया और बाकी अमन तेरा कहना और बाकी हम सब सुनेंगे। धन्यवाद कमेटी एंड मिस्क्वेट दो शब्द बोलने के लिए अनुमति दी उसके लिए वो आभार व्यक्त करता और मैं सभी जो दर्शक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं टूर्नामेंट और यहाँ पे उपस्थित सभी कैप्टन्स इनसे मैं एज अ एमपीएल महाराष्ट्र प्रीमियर लीग सीजन वन और सीजन टू ऑलरेडी हो चुके हैं और उसका एक ऑर्गेनाइजर कर मैं कहना चाहता हूँ कि आपने केवल दो साल की बैन लगाई है, मैं आजीवन पुणे में जय बजरंग स्पोर्ट्स धोंडाइचो को खेलने नहीं दूंगा और ये मेरी कसम है कि वो टीम कभी भी पुणे की एमपीएल टूर्नामेंट खेलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो समाज की टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं नरेश मामा, ये किसी के फायदे के लिए नहीं की जाती, हमारे समाज के सभी भाई इकट्ठा आए और भाईचारे के लिए हम ये टूर्नामेंट पिछले दो साल से ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल यहाँ पर भी इच्छल करंजी में काफी टूर्नामेंट्स होते हैं और जहां जहां हम खेलते हैं वहां वहां जय बजरंग स्पोर्ट्स धोंडाइचो हो, जय अंबे हो, इच्छल करंजी हो, सबको हम इनविटेशन देकर वहां खेलने के लिए बुलाते। लेकिन इसके आगे उस टीम को मैं जिंदगी में कभी ही इन्विटेशन लेटर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो भाईचारे के टूर्नामेंट में कुछ चंद पैसों की बात हो या कुछ चंद अपने निजी स्वार्थ का फायदा हो उसके चलते वो आज यहाँ पर आई नहीं और इतनी अच्छी जो 10 दिन से हमारी टूर्नामेंट चल रही है उस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं खराब करने का काम जय बजरंग स्पोर्ट्स धोंडाइचा जो खानदेश की टीम है और अगर पूरा खानदेश एक होकर कुछ कड़ा डिसीजन लेती है तो बिल्कुल जॉन्टी भाई भी हमारे साथ है जलगांव में टेनिस क्रिकेट बनाते, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि सीजन हो टेनिस हो प्लास्टिक बॉल हो जय बजरंग स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी कल प्लेयर खेले है और आज नहीं आए उन प्लेयर को इसके आगे खेलने का मौका समाज में ना दिया जाए ऐसी मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनंती रहेगी। इस टूर्नामेंट को हमारी टीम की ओर से महाराणा टाइगर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से और पूरे पुणे और महाराष्ट्र के सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से मैं शुभेच्छा देता हूँ। जो भी कमेटी निर्णय लेगी उस कमेटी को हम सब एग्री है लेकिन कमेटी ने किसी एक टीम का सोचकर डिसीजन ना ले, पूरे महाराष्ट्र के सभी क्रिकेट टीम्स आए हैं, सभी कैप्टन्स यहाँ पर है, सबके साथ डिस्कस करके या फिर अब डिसीजन लीजिए लेकिन जो भी डिसीजन लोगे वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ कर डिसीजन लेंगे, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और जॉन्टी भाई से मैं गुजारिश करता हूँ। हूँ मैं सुमित तमाचेकर से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इचल करंजी में टूर्नामेंट होता है अगर आप ऑर्गेनाइज होते तो हम आपसे उम्मीद करते कि जय बजरंग क्रिकेट क्लब वहां ना हो। अगर आपको वो टीम चाहिए तो जय अंबे क्रिकेट क्लब और नंदुरबार की सभी टीमें पूरे टूर्नामेंट में भाग ना लेंगी और आपका डिसीजन आप ले सकते हो पर मैं आपसे पूछना आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टूर्नामेंट खराब करने के लिए जिस टीम ने इतना बड़ा हाथ बार लगाया है उस टीम को प्लीज करके आप भी ना खेलने दे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। आज जो कमेटी का डिसीजन आया है जय बजरंग स्पोर्ट्स धोंडाइचा जो आज कल की मैच आधी हो चुकी थी और आज उनको वो मैच पूरी करनी थी लेकिन वो आज नहीं आए और पूरा के पूरा जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो जैसे कि अमन भाट एक एमपीएल के ऑर्गेनाइजर है जो खुद सब करते हैं, उन्होंने तो घोषित कर दिया है कि उनको हम बैन लगा दिया है पुणे में, वैसे ही जब भी इच्छल करंजी में टूर्नामेंट होगा तो ऑर्गेनाइजर मैं और मेरी और कमेटी भी रहती है तो उनसे मैं ये जो आपकी ख्वाहिश है या फिर जो भी आपने यहाँ पर बैन का दिया है जो कि क्रिकेट के दृष्टिकोण से कुछ अलग हो रहा है तो वो मैं हमारे कमेटी के सामने ये सब जाहिर करूँगा और उनको
न खिलाने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद। हेलो हेलो, कल के दिन जो टूर्नामेंट हो रहा था खानदेश में, एक टीम की वजह से पूरे खानदेश का नाम खराब हो चुका है। ताकि उनकी टीम ना आने से किसी टीम का नुकसान हो रहा है, उन्होंने आगे का सोचना चाहिए था कि अपने वजह से किसी टीम का नुकसान हो रहा है। और जब भी कभी जलगांव में कोई भी टूर्नामेंट होता है तो जलगांव जय बजरंग क्रिकेट टीम को वहाँ पर हमने बैन कमेटी की ओर से रखा गया है। कोई भी टूर्नामेंट होता है तो हम उस टीम को और ये नहीं करेंगे इनवाइट। बस यही चाहता हूँ। मैं कभी नीरा या पुना डिस्ट्रिक्ट में कभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ तो दोंडाईचा जो टीम है उनको हम कभी इनवाइट भी नहीं करेंगे और कोई लेटर भी नहीं देंगे। अगर वो टीम कोई खेलती है तो हमारी कोई टीम नहीं खेलेगी पुना डिस्ट्रिक्ट की। बस इतना चाहूँगा। उन्होंने बहुत गलत किया है कि उस टीम वजह के वजह से एक टीम को नुकसान हो गया है। जो महाराणा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम है पुना से, तो उनको तकलीफ हो गई है। उस वजह से उनको हम लोग हमेशा के लिए 5 साल तक बैन रखेंगे। मैं गणेश अभंगे को बुलाना चाहूँगा, सीनियर प्लेयर ऑफ नंदुरबार। गणेश अभंगे जी, गणेश अभंगे, जो गणेश अभंगे हमारे नंदुरबार में आए दिनों में छोटी मोटी टूर्नामेंट लेते रहते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि जय बजरंग को इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी नंदुरबार में खेलने ना दे। जात की टूर्नामेंट हो, जातीय टूर्नामेंट हो, टेनिस बोलो, प्लास्टिक बोलो या सीजन बोलो, कहीं भी मैं गणेश अभंगे, अब सीनियर प्लेयर है, जो ये टूर्नामेंट खराब करने के लिए, जो जय बजरंग दोंडाईचा ने आज इस टूर्नामेंट को खराब करने के लिए एक कारण बनाया उनका, तो मैं जो गणेश आपसे गुजारिश करता हूँ कि नंदुरबार में उनको कहीं भी ना खेलने दे। सही कहा कमेटी ने, जो आज उनकी वजह से एक टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी गलत किया उन्होंने। और मैं आपको सबको बता देता हूँ, अगर टेनिस पे भी टूर्नामेंट नंदुरबार में हम लोगों ने लिया तो डोंडाईचे 11 को हम लेटर भी देंगे नहीं और उनको बुलाएंगे भी नहीं। 5 साल तक उनको बैन बैन बैन। जय कंजर।